के कारण आर्मी में ना जा पाने के चलते परेशान युवाओं का इंतजार जल्द खत्म होने वाला है। सेना भर्ती की राह ताक रहे युवाओं के लिए जल्द ही इंडियन आर्मी सुनहरा मौका देने जा रहा है, लेकिन अब जो भर्ती होगी उसके नियम बदलने जा रहे हैं। केंद्र सरकार की ओर से भर्ती के लिए नए बदलावों की भी चर्चा है। रक्षा सूत्रों की माने तो इंडियन आर्मी, नेवी और एयरफोर्स में अब सैनिकों की सभी भर्तियां टूर ऑफ ड्यूटी के तहत होंगी। सूत्रों के मुताबिक इसका फाइनल खाका तैयार कर लिया गया है और इसी महीने इसका ऐलान किया जा सकता है। टूर ऑफ ड्यूटी के तहत युवाओं को 4 साल के लिए सेना में भर्ती किया जाएगा। टूर ऑफ ड्यूटी के तहत आर्मी में भर्ती नौकरी के बाद तय होगा परमानेंट नौकरी का विकल्प। सिलेक्शन बोर्ड तय करेगा कौन कौन होगा परमानेंट। सैनिकों की प्रोफेशनल दक्षता के आधार पर चयन। तो वही सेना की एक अधिकारी के मुताबिक जिस तरह ऑफिसर रैंक में काबिलियत के हिसाब से आगे बढ़ते हैं, उसी तरह सैनिक भी अपनी योग्यता के हिसाब से परमानेंट होंगे। शॉर्ट सर्विस कमीशन के तहत जो अधिकारी आते हैं उनमें से भी करीब 20-25% को ही परमानेंट कमीशन मिल पाता है। सूत्रों के मुताबिक सैनिकों के रिक्रूटमेंट का तरीका अभी आर्मी के आधार पर ही किया जाएगा, लेकिन बाद में इसमें कई चेंजेस देखने को मिल सकते हैं। सेना में भर्ती के लिए कैसे होगा रिक्रूटमेंट? लिखित परीक्षा पहले और फिजिकल टेस्ट बाद में होगा। 6 महीने की बेसिक मिलिट्री ट्रेनिंग दी जाएगी। प्रोफेशनल डिग्री और डिप्लोमा कोर्स भी कराए जाएंगे। टूर ऑफ ड्यूटी के तहत 30,000 रुपए मिलेगी सैलरी। टूर ऑफ ड्यूटी के तहत भर्ती होने वाले सैनिकों को ना पेंशन ना ही ECHS जैसी कोई स्वास्थ्य स्कीम का फायदा मिलेगा, लेकिन 4 साल की सर्विस के बाद उन्हें एक मुश्त करीब 10-12 लाख रुपए दिए जाएंगे। अगर सर्विस के दौरान ड्यूटी पर किसी सैनिक की मौत हो जाती है तो परिवार को इंश्योरेंस अमाउंट के तौर पर करीब 45-50 लाख रुपए मिलेंगे। जो बैलेंस सर्विस बची होगी उसकी सैलरी भी परिवार को मिलेगी। टूर ऑफ ड्यूटी लागू होने से इंडियन आर्मी में यंग सैनिक का जोश देखने को मिल सकता है। टूर ऑफ ड्यूटी के तहत युवाओं के लिए जल्द ही आर्मी में भर्ती होने के रास्ते खुल जाएंगे। इस वीडियो पर क्या है आपकी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। देश विदेश की